हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। और ये थर्ड वीडियो है इस सीरीज़ की, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। और अभी तक हमने 2016 के टीयर वन के पेपर्स देखे, अब हम टीयर वन 2017 के पेपर्स देखेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पैटर्न में 2016 से 2017 में कुछ बदलाव हुए थे, जैसे नरेशन के क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया था, एक्टिव पैसिव यानी वॉइस के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया गया था, पैराजम्बल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और दूसरे सेक्शंस में क्वेश्चन के नंबर्स को चेंज किया गया था। इसके अलावा कुछ लोगों का कमेंट था पिछली वीडियोस में आवाज़ से रिलेटेड, कि थोड़ी आवाज़ कम है या प्रॉब्लम है। तो देखिए, मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे पास कोई प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, ना मेरे पास कोई प्रोफेशनल टीम है, ना मेरे पास कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है बहुत ज़्यादा वीडियोस को रिकॉर्ड करने का, एडिट करने का। तो उतना मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से मैं एडजस्ट करते हुए काम कर रहा हूँ, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप भी एडजस्ट करते हुए पढ़ाई करें और जो काम की चीज़ है वो लें, और जो चीज़ें सेकेंडरी हैं वो उसको छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करें, ताकि सिलेक्शन आप इंश्योर कर पाएँ। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा एडजस्ट करिए जिनको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ये पहली शिफ्ट थी 5 अगस्त 2017, यानी कि बिल्कुल पहली शिफ्ट SSC CGL 2017 टीयर वन की। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 76 और 77 यानी कि फर्स्ट सेकंड जो क्वेश्चन थे, उसमें पहले दो क्वेश्चन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हैं, तो आपको बताना था एरर क्या है। तो द टू मैन वर क्वारलिंग विद वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ओन। झगड़ा कर रहे थे एक सेम वॉच पे, और सब दोनों क्लेम कर रहे थे कि उसकी है या उसकी है। तो बहुत आसान सा है, टू मैन हैं और वो क्वारल कर रहे हैं, तो जब दो लोग होते हैं तो क्या कहलाता है? तब वन अनदर नहीं आता, तब आता है आपका ईच अदर। तो वन अनदर नहीं आएगा, ईच अदर आएगा, यानी कि एरर कौन से है? सेकंड पार्ट के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर वन अनदर की जगह पे ईच अदर आएगा। बहुत सिंपल सी एरर है, अगर आपको ये क्लियर है। वन अनदर मोर देन टू के लिए इस्तेमाल होता है, और ईच अदर दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ है, तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ है, तो ये अदर जो है ये रिमूव हो जाएगा यहाँ से, तभी ये ग्रामेटिकली सही हो सकता है। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री दो फॉर्म में इस्तेमाल होती है, या तो हम ऑफ ऑल द इस्तेमाल करते हैं, ऑफ ऑल द, या इन द। तो दो तरीके से लिखा जा सकता था। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज़ द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, या एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये दो तरीके से आएगा। अदर भी अदर काट के आप ज़्यादा आसानी से सिर्फ एक चीज़ काट देंगे और ऑल द कंट्रीज लिख देंगे, अदर की जगह पे आप रिप्लेस करके द लिख दीजिए, तो ऑफ ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड से ही ये सही हो जाएगा। या थोड़ा सा फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन सुपरलेटिव आ गया, मोस्ट पीसफुल आ गया, तो अदर नहीं आ सकता उसके साथ। फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। द हायर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट टू ब्रीथ। तो आपको बिकम की आपको बतानी है, कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का केस है, सिंपल केस है कि साहब जैसे जैसे आप ऊंचा चढ़ेंगे, आपको सांस लेना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो सिंगुलर वर्ब और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में है तो बिकम्स आ जाएगा। बिकेम तो पास्ट के लिए होता हैज़ बिकम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए होता है, इज़ बिकमिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए होता है। यहाँ पर क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो बिकम्स सीधा सीधा हो जाएगा। फिर आए नेहा हैज़ बीन क्राइंग डैश मॉर्निंग। तो हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का केस है, और मॉर्निंग यानी कि क्या है?
पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपली जो है सेंस आ जाता है, और ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है। फिर है सिनोनिम, सिनोनिम्स बताने हैं आपको। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच, पैसे वाला, तो सिंपली जो है, या लग्जीरियस, तो ये थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ग्लूमी का मतलब डिप्रेस्ड होता है, सेल्फिश का मतलब ऑब्वियसली आप जानते हैं कि अपनी मतलब ही इंसान, फेक तो जानते ही हैं, तो रिच है। फिर है मोरोस, मोरोस को का मतलब होता है डिप्रेसिंग, डिसमल, अनवेलकमिंग, या सिंपली ग्लूमी। क्योंकि फ्लैटर का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट करना किसी को, किसी की तारीफ करना, प्रेज करना। फ्रेंडली का मतलब दोस्ताना, और सैवी का मतलब होता है किसी चीज़ में श्रूड होना, एक्यूमेन होना, शातिर होना, स्किल्ड होना। तो मोरोज, ग्लूमी, डिप्रेसिंग, ये सिनोनिम्स हैं। फिर आप आइए एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स में इर्क का आपको बताना है, ठीक है, और आपको बताना है ग्रोटेस्क्यू का। तो इर्क का मतलब होता है किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, तो इरिटेट का उल्टा यहाँ पर सिंपली प्लीज करना किसी को। और ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है कोई चीज़ भद्दी हो, अलग सी हो, अजीब सी हो, स्ट्रेंज हो, पेक्यूलर हो, ऑड हो, क्यूर हो। तो क्यूर जो है इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका सिनोनिम है। ऑड भी क्या है? सिनोनिम है। प्लेन जो है इसका एंटोनिम हो सकता है, कि ग्रोटेस्क्यू का मतलब है कोई चीज़ ऑड है, तो ऑड से उल्टा क्या होगा? कोई चीज़ प्लेन है, यानी कि सिंपल सी है, तो एंटोनिम पूछा है तो ग्रोटेस्क्यू का प्लेन हो जाएगा। फिर आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताना था, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस में दो इडियम्स हैं। टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर, टू कीप वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है अवॉइड स्टारवेशन, भूखमरी से बचना, तो उसको कहते हैं टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, इतना कमाना कि भुखमरी से आप बचो, तो उसको कहेंगे टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। टीथिंग प्रॉब्लम्स, तो टीथिंग प्रॉब्लम्स का मतलब ओरल प्रॉब्लम्स, यानी कि मुंह की बीमारी, या प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम्स फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन द न्यू प्लेस, या प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट। तो सिंपली जो है टीथिंग प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम जो कोई भी आप काम शुरू करते हैं तो उसमें आती है। जैसे बहुत से आप में से SSC CGL की जब तैयारी शुरू करते हैं या की होगी, तो बहुत परेशानी आती होगी इंग्लिश के, मैथ्स के क्वेश्चंस में, GK में तो आती है बहुत से लोगों को, इंग्लिश में बहुत से लोगों को आती है, मैथ्स में भी आती है। तो ये टीथिंग प्रॉब्लम कहलाएगी, जो शुरू शुरू में प्रॉब्लम आएगी, और वो नेचुरल भी है ना, कोई परेशानी की बात नहीं है, हमें भी आती थी, मेहनत करते रहना है। फिर है शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी, नॉर आई डिड, तो आपको बताना है क्या इनमें से सही होगा। नाइदर आई लाइक डिड, नॉर डिड आई, नॉर आई लाइक इट। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ पर स्ट्रेस दे रहे हैं, इम्फेसिस दे रहे हैं, कि ना उसे पसंद है कॉफ़ी पीना, ना मुझे पसंद है। तो प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन यहाँ पर फॉलो होता है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन का मतलब, इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो जाना। तो यूजुअली ये होता है कि सब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब बाद में आता है, यानी कि आई पहले आना चाहिए और डिड बाद में आना चाहिए, लेकिन इन्वर्जन में पहले वर्ब आ जाएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। तो नॉट डिड आई जो है यहाँ पर सही है ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन सेकंड, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, इम्फेसिस दे रहे हैं, तो प्रिंसिपल ऑफ इन्वर्जन लगेगा। जैसे हेयर कम्स रोहित, तो हेयर कम्स रोहित में कम्स वर्ब पहले आ जा रही है, रोहित सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ओनली देन कैन वी फेस द सिचुएशन बोल्डली, तो फेस कैन पहले आ जा रहा है, देन कैन वी, तो कैन पहले आ रहा है, वी बाद में आ रहा है। तो ये इन्वर्जन वाला कॉन्सेप्ट है, जब हम स्ट्रेस देने के लिए हम बोल रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं किसी चीज़ पे, इम्फेसिस दे रहे होते हैं, तो इन्वर्जन फॉलो करते हैं। फिर आपको बताना है 87th ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मोन्यूमेंट इन आगरा। अब इसमें क्या एरर है? ये एरर तो अजीब सी लग रही है, क्योंकि पढ़ने में मैंने पढ़ा हुआ है, तो आप भी समझिए इस चीज़ को, कि कहलाता है कोई चीज़ अगर वर्थ सीइंग है तो
ऐसे कहलाती है कि ताजमहल इज़ अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग, इंडिया पाकिस्तान इज़ अ मैच वर्थ वॉचिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई अच्छी फिल्म शोले इज़ अ मूवी वर्थ वॉचिंग। तो नाउन वर्ब आईएनजी इस तरीके से, वर्थ नाउन वर्थ वर्ब आईएनजी, तो एज अ मॉन्यूमेंट वर्थ सीइंग आपका आ जाएगा। इसमें यही होता है कि वर्थ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी और उससे पहले नाउन, ये फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। फिर है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो चीज़ सुधारी नहीं जा सकती, जो चीज़ सुधारी नहीं जा सकती उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल, जो चीज़ सुधारी ना जा सके उसको कहते हैं इनकॉरिजिबल। जो एलिजिबल ना हो वो इनएलिजिबल, जैसे कोई सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन में है वो एसएससी में एलिजिबल नहीं है, इनएलिजिबल है। इमोलेशन का मतलब क्या होता है? इमोलेशन का मतलब है जब कोई सेक्रीफाइस दिया जाए तो उसको कहते हैं इमोलेशन, ऑफर किया जाए, एक्ट ऑफ इमोलेशन। सती प्रथा एक इमोलेशन का एक्ट था। इम्प्रेग्नेबल का मतलब है जिसको डिफीट ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, अजेय हिंदी में जिसे कहते हैं। फिर अ पर्सन हु इज़ ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलत कामों को ब्लेम कर दिया जाए किसी पे, तो उसको क्या कहा जाता है? बलि का बकरा, स्केप गोट। तो ये तो वैसे भी अगर आपको याद है कि बलि का बकरा स्केप गोट ट्रांसलेशन में ही आ जा रहा है। इसमें बर्सर का मतलब होता है कि एक इंसान जो किसी कॉलेज के फाइनेंशियल अफेयर्स को, फाइनेंस को देखता है उसको बर्सर कहते हैं। कैप्टर का मतलब गार्ड या जेलर, कस्टोडियन को कैप्टर कहते हैं। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है एक ऐसा इंसान, मतलब एक ऐसा इंसान का नेचर कि जो अनइमोशनल और बहुत काम नेचर का हो, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात में भी जो है कूल रहता हो। जैसे इंडिया के क्रिकेट मैच के अंदर महेंद्र सिंह धोनी लास्ट टाइम के ओवर्स में भी जो है बहुत कूल रहते हैं, तो फ्लैगमेटिक नेचर है उनका। तो फ्लैगमेटिक आप उस तरीके से भी याद रख सकते हैं। फिर है आपको करेक्ट ये बताना इनकरेक्टली कौन सा इनकरेक्ट है स्पेलिंग। चार में से तीन की स्पेलिंग सही है और एक की गलत है। तो देखिए नीस जो होता है वो एन आई ई होता है, आई ई ना कि ई आई, ठीक है? लिख नहीं पा रहा हूँ समझ लीजिएगा, आई ई। बाकी रेन या लेजर, कंसीव, तो कंसीव का मतलब होता है किसी चीज़ को इमेजिन करना, किसी ओपिनियन को होल्ड करना, सोचना, बिलीव करना। लेजर का मतलब आराम, राइन का मतलब होता है शासनकाल। तो स्पेलिंग सबकी सही है, नीस की स्पेलिंग, जो नीस नेफ्यू और नीस यानी कि भतीजी। फिर है 91 91 में भी अगर आपको डिक्शनरी की स्पेलिंग पता है तो आप सीधे सीधे बता देंगे कि सिर्फ डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है, बाकी डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है आपको दिख जाएगा, बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एन ओ आर वाई नहीं होता, एन ए आर वाई होता है डिक्शनरी में, एन ए आर वाई होता है, ओ नहीं होता। इररेलीवेंट की स्पेलिंग सही है। पेरिशेबल यानी कि कोई चीज़ पेरिश होने वाली, ख़त्म होने वाली हो, उसको पेरिशेबल कहते हैं। टेंजिबल का मतलब कोई चीज़ एक्चुअल हो या रियली में हो रही हो, डेफिनेट हो, उसको टेंजिबल कहते हैं। तो सबकी स्पेलिंग सही है, डिक्शनरी की स्पेलिंग गलत है। फिर पैराजम्बल्स है, देखिए पैराजम्बल्स के लिए अलग से भी मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कुछ पैराजम्बल्स लेंगे, कुछ गोल्डन रूल्स उसके भी सीखेंगे, जैसे कुछ गोल्डन रूल्स मैंने क्लोज टेस्ट के बताए थे। लेकिन पैराजम्बल्स में कुछ चीज़ें याद रखिए, सबसे एक बेसिक रूल याद रखिए कि पैराजम्बल्स को सॉल्व करने में एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ चीज़ें दिख जाएं, जैसे कि टीयर वन के हम पेपर्स देखेंगे तो टीयर वन में जो ज़्यादातर पैराजम्बल्स पूछे गए हैं वो आसान लेवल के हैं, आसान लेवल के इन द सेंस उनमें कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो आप देख के बता सकते हैं कि ये जो है स्टार्टिंग सेंटेंस तो कम से कम नहीं होगा।
जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, अभी बिल्कुल ऑप्शन दिखा भी नहीं रहा हूं, कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस है चारों में से, या कौन से सेंटेंसेस ऐसे हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकते, तो आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बता सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें पी और आर स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं हो सकते, वो मैंने देखते ही देख लिया। उसकी वजह क्या है कि इट हैड बीन अम्पटीन ईयर्स सिंस वी हैड सीन ईच अदर, तो वी का हमें पता ही नहीं, वी किसके बारे में बात हो रही है, इट, ठीक है, इट हैड बीन, यहाँ पर वी है तो वी प्रोनाउन है, वी प्रोनाउन होने से पहले नाउन का होना बहुत ज़रूरी है, तो नाउन कहाँ पर दिख रहा है, रॉड्रिक अशर के नाम से दिख रहा है, आई एंड रॉड्रिक अशर से रिलेटेड वी है, ठीक है। फिर है दिस वॉज द हाउस ऑफ, तो दिस हाउस अगेन जो है, दिस हाउस से पहले हाउस के बारे में कुछ बताया जाना चाहिए, तो पी और आर तो स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता। तो देखिए पी वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट गए, पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, तो पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, बचते आपके पास क्या है, क्यू, यानी कि थर्ड फोर्थ, तो ऐसी आपकी 50% प्रोबेबिलिटी तो हो ही गई सही करने की। अब एक और चीज़ देखिए, चलिए क्यू से स्टार्ट होगा क्योंकि क्यू से ही हो रहे हैं दोनों। वन डार्क डल डार्क डे इन ऑटम आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन हॉर्सबैक थ्रू अ ड्रियरी स्ट्रेच ऑफ कंट्री साइड, ठीक है। फिर एट नाइट फॉल आई केम इन साइट ऑफ द हाउस ऑफ अशर, ठीक है, हाउस के बारे में बताया। अब हम बात कर सकते हैं, दिस वॉज द हाउस ऑफ रॉड्रिक अशर हु हैड बीन माई चाइल्डहुड पैल, वो इसलिए भी कि थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में आपको क्लियर हो जाता है कि पी तो लास्ट में आएगा तो उसकी तो टेंशन है नहीं, और क्यू फर्स्ट में आ रहा है, यानी कि आपको बस इतना देखना है कि एस आर होगा या आर एस होगा, तो पहले क्या होना है, एस आना है, उसके बाद आर आना है, क्योंकि पहले हाउस के बारे में बताया जाएगा कि हाउस की तरफ देखा और फिर बताया जाएगा कि वो किसका हाउस था, तो सिंपली आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। पी हो नहीं सकता था तो फर्स्ट और सेकंड तो वैसे ही गलत हो रहे थे, और फिर आपने देख लिया आर एस और एस आर में से एस आर ही हो सकता है क्योंकि पहले प्रोनाउन नहीं आता है, पहले नाउन आता है। देखिए फिर आपके पास सेकंड पैराजम्बल है, अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स, इसमें आपको पहले आप देखिए, अगर मैं एक आपको स्क्रॉल करके दिखाऊं तो आप देख के बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस स्टार्टिंग नहीं हो सकती बिल्कुल। तो देखिए एक चीज़ है कि आर से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ये बहुत क्लियर है, आर कहीं बीच में आएगा या बाद में आएगा, तो वैसे ऑप्शन में एस और क्यू से स्टार्ट है तो इससे हमें कोई मदद मिली नहीं। लेकिन एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर आप सेंटेंसेस को सही से पढ़ें, अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टिमेट्स बिटवीन 1942 एंड 1944, ये बेसिकली नाजीज से रिलेटेड है कि कैसे वो जो है लोगों को मारा करते थे जर्मन्स 1942-44 में, पोलैंड की वॉर्सो कैपिटल है, तो जीके का भी क्वेश्चन है तो इसलिए मुझे याद है। देर वर अप्रॉक्सीमेटली 400 विक्टिम्स ऑफ दिस प्रैक्टिस डेली इन वॉर्सो अलॉन विद नंबर्स ऑन सम डे रीचिंग सेवरल थाउजेंड्स, के वैसे अप्रॉक्सीमेटली 400 विक्टिम्स डेली इस प्रैक्टिस, तो इस प्रैक्टिस से पहले उस प्रैक्टिस की इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि क्यू के बाद ही पी आएगा, तो क्यू के बाद ही पी आएगा, ठीक है, तो सब में क्यू के बाद पी आ रहा है, नहीं देखिए इसमें क्यू के बाद पी नहीं आ रहा है, पी पहले आ रहा है, क्यू गलत बाद में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन टू गलत हो गया, तीन बचते हैं अब आपके पास। फिर एक और चीज़ देखिए कि ये बताया गया कि विथ नंबर्स ऑन सम डे रीचिंग सेवरल थाउजेंड्स, और कुछ दिनों में सेवरल थाउजेंड्स पहुंच जाया करती थी इस प्रैक्टिस की वजह से। फिर देखिए पी से आर कनेक्ट हो जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे क्लोज टू 3,000 पीपल वर ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रेन टू जर्मनी, तो पी के बाद आर आएगा, पी के बाद आर आएगा, पी आर होगा, समथिंग पी आर, तो आर पी हो रहा है यहाँ पर, यानी कि वैसे ही गलत हो जा रहा है, तो बचता है ऑप्शन क्या, आपका थर्ड और आपका फोर्थ, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचते हैं आपके। अब आपको ये देखना है कि
QSPR होगा या QPRS होगा? तो देखिए, Q से स्टार्टिंग है, अ कॉमन प्रैक्टिस, जर्मन प्रैक्टिस, ठीक है। फिर है द टर्म लैपेंका कैरिड अ सार्डोनिक टोन। सार्डोनिक का मतलब होता है कोई चीज़ बुरे यादों से रिलेटेड हो, बिटर हो, या तौहीन के तौर पे किसी चीज़ को इस्तेमाल किया जाए। तो द टर्म लैपेंका कैरिड अ सार्डोनिक कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मतलब मीनिंग फ्रॉम द वर्ड्स अर्लियर यूज फॉर चिल्ड्रंस गेम नोन इज इंग्लिश एज टैग। तो ये फर्स्ट सेंटेंस क्यों, तो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है ही इसमें। फिर ये टर्म का भी इंट्रोडक्शन है, तो टर्म भी एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, यानी कि क्यू एस बनता है ज़्यादा सही। एस बिल्कुल लास्ट में आने से नहीं बनेगा इतना, क्योंकि प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को टर्म बताया गया है, और फिर जो है ये बताया गया है क्या क्या हुआ उस प्रैक्टिस के तहत। तो यहाँ पर जो है क्यू एस पी आर ही ज़्यादा रेलिवेंट बनता है। मैं मान सकता हूँ कि कुछ लोग जो हैं इसमें क्यू पी आर एस लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि ज़्यादा रेलिवेंट बनेगा क्यू एस पी आर, क्योंकि फर्स्ट क्यू तो इंट्रोडक्टरी है ही, एस पी इंट्रोड्यूस करके एक्सप्लेन कर रहा है, फिर एस के बाद हम पी आर लेके आते हैं, तो फिर पूरा जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस है वो मीनिंग क्लियर बनाता है। फिर वॉइस बतानी है आपको। एन एलिफेंट मे बी हेल्ड इवन बाय एन आंट। तो ये बेसिकली पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, अब इसको एक्टिव बनाना है। तो पैसिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट है, इवन बाय एन आंट, तो इवन बाय तो हटाना पड़ेगा, इवन एन आंट आ जाएगा यहाँ पर। इवन एन आंट मे बी हेल्प की जगह पे मे हेल्प हो जाएगा, और एलिफेंट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि यही सही है। ऑट लगाने की सेंस नहीं बनता, कैन होगा नहीं क्योंकि मे है वहाँ पर, एन और सेकंड इसलिए नहीं कि एन एंट में इवन हेल्प अ, इवन एन एंट पे फोकस है, ठीक है। तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन। फिर है नरेशन। नरेशन प्लीज़ डोंट क्राई। तो प्लीज़ डोंट क्राई एक तो या तो रिक्वेस्ट हो सकती है, जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाइए, डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में बनाने के लिए, या तो रिक्वेस्टेड तो है नहीं ऑप्शन में, या बैग्ड हो सकता है। तो ये सेड और टोल्ड तो नहीं आएंगे क्योंकि प्लीज़ लिखा हुआ है, तो थर्ड और फोर्थ तो वैसे ही कट जाते हैं, बचते हैं फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए, डोंट जो है नॉट टू हो जाता है। डोंट क्या है, चेंजेस टू नॉट टू, ठीक है। तो ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई। फिर आपका क्लोज टेस्ट है। द डैश ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क। इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर डैश इन टू द कोर्स पैटर्न। द लेक्चर शुड बी द लेक्चर बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग। अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स दी ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड लिसनिंग कॉजिंग इंटरमिटेंट वेंडरिंग ऑफ अटेंशन एंड लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इन थॉट। तो बेसिकली लेक्चर के बारे में बताया कि लेक्चर होना किस तरीके का चाहिए, एक ब्रीफ आउटले हमें बन रहा है कि मतलब लेक्चर को जो है कायदे से करना चाहिए, और उसके लिए जो है बताना चाहिए कैसे स्टार्ट किया जाए और ये सब कुछ, तो लेक्चर से रिलेटेड है। तो स्टार्टिंग में द कंडीशन ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस्ड, नहीं, द इंटरेस्ट ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस्ड, हो सकता है। फिर है द इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी। तो देखिए, एफिशिएंसी मशीन्स या एफिशिएंसी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी चीज़ को क्वांटिफाई कर सकें, 20% एफिशिएंसी, 50% एफिशिएंसी, लेकिन लेक्चर्स की हम एफिशिएंसी नहीं, इफेक्टिवनेस कर सकते हैं। और इंटरेस्ट इन लेक्चर्स होता है, तो इंटरेस्ट ऑफ लेक्चर्स नहीं, इंटरेस्ट इन लेक्चर्स। इस वजह से यहाँ पर इफेक्टिवनेस ऑफ लेक्चर्स कुड बी इन्हेंस, बढ़ाया जा सकता है बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क। रिव्यू ऑफ द वर्क, तो रिव्यू किस चीज़ का होता है, जो पहले गुजर गई होती है, यानी कि प्रिसीडिंग या सक्सीडिंग।
प्रिसीडिंग, प्रिसीडिंग का मतलब होता है जो चीज़ पहले गुजर गई है, तो उसी का रिव्यू किया जा सकता है, सक्सीडिंग का नहीं किया जा सकता। असेंडिंग उतरती हुई चीज़ तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा है यहाँ पर। इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड हाउ द डेज लेक्चर इन टू द कोर्स पैटर्न, और ये भी बताना चाहिए, इंडिकेट करना चाहिए कि कैसे डे का जो लेक्चर है वो कोर्स पैटर्न में ऐड करता है, लेट करता है, गेट करता है या फिट करता है। तो पैटर्न में फिट होती है कोई चीज़, पैटर्न में फिट होती है, फिट्स द पैटर्न, फिट्स इन टू द कोर्स पैटर्न। द लेक्चर शुड बी प्रेजेंटेड इन वन अनब्रोकन डिस्कोर्स, शुड ऑफन बी प्रेजेंटेड इन वन, लेकिन अनलेस अगर आप कायदे से पढ़ें, यहीं पर यूजेज और यहीं पर रीडिंग स्किल्स आपकी आ जाती हैं। आप इसमें ऑफन लगा के भी ग्रामेटिकली सही हो जाएगा, लेकिन कंटेक्स्ट के हिसाब से फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप अगला सेंटेंस नहीं पढ़ेंगे तो आप ऑफन लगा के या जो है कंटिन्यूअसली लगा के भी आप ग्रामेटिकली सही रहता वो, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्लोज टेस्ट में गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोलना ये चाह रहा है, अगर आप पूरे सेंटेंसेस को पढ़ें, नेक्स्ट सेंटेंस को, कि लेक्चर को नहीं होना चाहिए अनब्रोकन, उसमें ब्रेक होने चाहिए। बस सिर्फ एक्सेप्शन ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो तो एक्सेप्शन है, अदरवाइज एक लॉन्ग लेक्चर जो है वो जो लिसनर है उसकी कंसंट्रेशन को तोड़ता है और दिमाग जो है भटकता है और कंटिन्यूटी ऑफ थॉट जो है लॉस होती रहती है। तो यहाँ पर सेल्डम आएगा, लेक्चर शुड सेल्डम भी प्रेजेंटेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या हो जाता है, दिमाग भटक जाता है सेल्डम। फिर है अनलेस एक्सेप्शनली इंटरेस्टिंग, अ लॉन्ग लेक्चर स्ट्रेन्स द क्या, कैपेसिटी ऑफ अ कॉन्सेंट्रेटेड लिसनिंग, कैपेसिटी, क्षमता कॉन्सेंट्रेटेड लिसनिंग की, ठीक है, यानी कि 100 का 2 आ जाएगा। तो यही है कि देखिए, ये थोड़ा सा इसमें एक दो क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा आपके वोकैब और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा टेस्ट हो रही थी इन कंपैरिजन टू 2016 के पेपर के, जहाँ पर क्लोज टेस्ट नहीं, बहुत सिंपल से पैसेजेस आ रहे थे। 2017 में क्लोज टेस्ट आया, तो उसमें कई क्लोज टेस्ट ऐसे आए हैं और पेपर्स में भी और शिफ्ट्स में भी, जिनमें थोड़ा सा दिमाग लगता है। तो क्लोज टेस्ट जब भी करें, जो मैंने वीडियो में बताया था, स्ट्रैटेजी वीडियो में, तो उसको समझ के करें, रीड करके करें, और पढ़ते हुए वो गोल्डन रूल्स को पढ़िए, वो टिप्स को सुनिए, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी बेहतर होगी, एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स सजेशंस देते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिए और कंसंट्रेशन के साथ करते रहिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।